तिस बिन राजा अवर न कोई। अड़ाड़ गारुड़ तुम सुनो, हर वसै मन माहे, गुर प्रसादी हर पाईए, मत को परम भुलाहे। सो साहो साचा जिस हर धन रास, गुरमुख पूरा तिस साबास। रूड़ी बाणी हर पाया, गुर शब्दी विचार। आप गया दुख कटिया, हर वर पाया नार। रूड़ी बाणी हर पाया, गुर शब्दी विचार। आप गया दुख कटिया, हर वर पाया नार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दीन दुनिया के मालक, दसां पातशाहियां दे प्रतख स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की हजूरी विच सभाएमान सत्कारयोग साध संगत जी, आप जी भागशाली हो अकाल पुरख वाहिगुरु वालों बख्शिश किए हुए इस जीवन नूं गुरु के चरणों विच हुणे कीर्तन द्वारा आप जी ने सफल किया है। चलदी लड़ी वार दखणी ओंकार की इस बाणी के अज के इस शब्द विच जो कि गुरु नानक पातशाह जी द्वारा उचारी गई और दखणी ओंकार विच 47 नंबर अधीन दर्ज है, आपां कुछ मिनटां विच ही ये बख्शिश गुरु साहब जी की प्राप्त करन दा यतन करना है। सतगुरु इन्हां शब्दां विच अकाल पुरख वाहिगुरु की तस्वीर, उहदा स्वरूप दस रहे हैं किवें दा है, क्योंकि इहदे अंदर वाहिगुरु का सुभा है। सतगुरु ने वचन किया कि उस तो बिना होर कोई सुंदर नहीं, ते उस तो बिना होर कोई रजिया होया नहीं है। उहदे अंदर दो गुण ने, तृप्ति ते सुंदरता। ते उहदी सुंदरता शरीरक नहीं, पर जिहड़ा शरीर उहदे चरणां नाल सांझ पा लैंदा है उह शरीर भी सुंदरता नूं हासिल कर लैंदा है। जिवें कि जाप साहिब दी बाणी विच अकाल पुरख वाहिगुरु दे दो गुण कलगियां वाले पातशाह ने कहे ने, कहिंदे ने तेरे वर्गा सियाणा भी कोई नहीं और तेरे वर्गा होर कोई सुंदर भी नहीं। अनेक गुण उहदे विच बयाने गए ने, जिहदे विच हजूर कहिंदे कि साहिब दिमाग है, तेरे जिन्नी सियाणप किसे विच नहीं, तू इन्ना सियाणा है, तेरी हर एक किरत सियाणप नाल भरी पई है। दूसरा वचन कीता कि हुसनल चिराग है, हुसन का अर्थ है सुंदरता, तू हुसन का दीवा है, तू सुंदरता का दीवा है। क्योंकि आ दूजा वचन कीता तेरे वर्गा वड्डा, तेरे वर्गा राजा कोई नहीं है, ये तेरे विच गुण ने। ते इहदे संबंध विच भी वचन कीते राजान राज, भानान भान,
राजयां दा तू राजा है, तेरे कोल शक्ति भी बड़ी है। क्योंकि आम तौर पर मनुखी मन दो चीज़ों तो प्रभावित हुंदा है, सुंदरता तो ते शक्ति तो प्रभावित हुंदा है। जेड़ा मनुख बड़ा तुसी आम तौर पर वेखोगे, जिस बंदे दे हत्थां विच शक्ति है, आम तौर पर रब दे प्यारियां नूं छड़ के संसार दे लोग उन्हां दी परिक्रमा करदे ने, पर सतगुरु ने बचन किते कि ए राजे तां उहदे बनाए हुए ने, ए लोग जिन्हां दे हत्थ विच तू ताकत वेखना है, अज इन्हां दे हत्थ विच ताकत है, कल नूं फिर नहीं रहनी। तू उस वड्डे नाल जुड़ जिहड़ा सारे साहिबां दा पातशाह है, सारे ताकतवर लोकां दी वाग डोर जिहदे हत्थां दे विच है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने जिवें कि बाणी विच बचन कीता है, भगत कबीर जी दा शब्द जिहदे अंदर बचन कीते ने, को हर समान नहीं राजा, ए भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा। इत्थे भावें किन्ने ताकतवर लोग आए, अज तो पहला किन्नियां कोल ताकत ते शक्ति सी, आपो अपने समय विच कबीर साहब कहिंदे ने, कबीर नौबत अपनी दिन दस लेहो बजाए। इथों दी नौबत, इथों दी शक्ति, इथों दी ताकत केवल कुछ दस दिनां दी जां चार दिनां दी बाणी विच गिणी गई है। इथों दा तान बहुता लंबा नहीं, शक्ति बहुती लंबी नहीं है, पर आम तौर ते शक्ति नूं हासिल करके मनुख जे गुरु के शब्द तो हीणा है ते उहदे अंदर एक बड़ी वड्डी प्रवृत्ति जागेगी, जिस नूं हंकार कहिंदे। मैं कबीर जी दा एक शब्द आप जी नाल सांझा करां, जिहदे विच उहनां ने उदाहरण दित्ती है, एक पासे दुर्योधन दी ते एक पासे कृष्ण दी, एक पासे सुदामा है, ये तीन शख्सियतां ने। ते कृष्ण नूं जिस वेले मिलन वास्ते दुर्योधन कृष्ण जी गए ते वो अगे खड़ा सी, हुण है ते वो भी धर्मी सी ना, कौरवां दे विचों उहदे कोल भी धर्म है सी साध संगत, पर जदों कृष्ण जांदे ने ते वो एक पासे उहदे हाथियां दा वाड़ा सी उधर चला गया, तुर के चला गया, पिठ कर ली, मिलन आया बंदा। क्योंकि हंकारी बंदे दी सब तो पहली निशानी होवेगी जदों उन्हूं कोई आदमी मिल जाएगा उदों मूँह पासे करेगा, सब तो पहली हंकार की निशानी ये है। तो भगत जी कहिंदे ने, कबीर साहब जिस वेले कृष्ण जी उन्होंने मिलन का यतन किया तो युधिष्ठर ने मूँह पासे कर लिया, उन्होंने अपना रथ मोड़िया, तो पिंड दे बाहरले पासे एक गरीब आदमी सी सुदामा, उहदे घर चले गए। जदों बिदर दे वाहिगुरु बिदर दे घर चले गए तो उस समय उहदे घर रात कटी। जदों सवेरे वापस मुड़ना सी ना, क्योंकि जिहड़ा बंदा हंकारी है, एक पासे जिथे मूँह पासे करदा, दूजे पासे जे उहनूं कोई मिलन ना आवे रात नूं उहनूं नींद भी नहीं जे आउंदी, उन्होंने आराम नहीं आएगा, क्योंकि पूजा की बीमारी है, अंदर अंदर पूजा की बीमारी है, झुकाण की बीमारी है। और ये सब तो बरीक है, गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह की बाणी पढ़ के वेखो, हजूर कहिंदे ने चार वेद पढ़न वाले, छे शास्त्रां नूं जानन वाले, बड़े बड़े वड्डे तपी इस बरीक रोग तो बच नहीं सके, जिन्हों सतगुरु ने भंभीरी दे खंभा जिन्ना पतला किया है, पता भी नहीं लगता। उस बाणी विच वचन आउंदा है, भंभीरी के पात पार दो बिन देखे दूर आयो। भंभीरी तुसा वेखी होनी है, जिहड़ी जाला बुणदी, उहदे खंभ बड़े पतले हुंदे ने, उहदे विचों आकाश दिसदा है, पर उहनां दे आसरे उड़दी है। हंकार जिन्ना सूक्ष्म हुंदा जांदा है उहनां उह दिसणा बंद हो जांदा है, ते मनुख भुलेखे विच पै जांदा। जदों कृष्ण जी वापस मुड़न लगे ना, ते उस वेले परत के फिर युधिष्ठर आया, मिलिया, उन्हें कहा रात तुसी किथे रहे हो? कहन लगे असी ते रात बिदर दे घर विच, असी उस भगत दे घर विच गुजारी।
उन्हें क्या उदे घर है किसी खाण वास्ते अलूणा साग कुछ भी नहीं सी तुसी साढ़े कोल आना सी। ते कबीर जी ने वो हवाला दिता वो कहिंदे ने राजन कौन तुम्हारे आवे तेरे घर कौन आवे ऐसो पाओ बिदर को देखियो ओह गरीब मोए पावे वह गरीब मैनू चंगा लगता है हस्ती देख भरम ते भूला श्री भगवान ना जानिया तू ते हाथियां वल मूँह कर लिया सी ते बंदा तेरे वास्ते छोटा हो गया है। आ जिहड़ी बाणी दी आपां विचार कर रहे हैं ना इस सारी बाणी विच दक्षिणी ओंकार विच एक ऐसे ब्राह्मण नूं उपदेश दिता गया जिहड़ा विद्वान भी सी ते जिहड़ा उस मूर्ति की पूजा भी करता सी पत्थर दी ते गुरु साहब ने इस सारी बाणी विच इको ही उपदेश दिता है बहुता जोर उहदे ते वे हजूर कहिंदे ने तू मूर्तियां विच रब वेंदा बंदे विच रब नहीं वेंदा तेरा नुक्स है तू इमारतां विच रब वेंदा है तू निर्जिंद चीज़ां विच ते परमात्मा नूं वेख लैंदा है पर तेनू जिउंदे जागदे मनुख दे विच परमात्मा दे दीदार नहीं हुंदे वो तेरे वास्ते क्यों क्योंकि वह तेरा हंकार तेनू झुकण नहीं दिंदा। इहदे विच भी उह कहिंदे ने हस्ती देख भरम ते भूला श्री भगवान ना जानिया तुमरो दूद बिदर को पानो अमृत कर मैं मानिया खीर समान साग मैं पाया गुण गावत रहन बिहानी कबीर को ठाकुर अनद बिनोदी जात ना काहूं की मानी। वो तो सिर्फ भावना का भुख है। मैं बेनती सांझी कर रहा सी ये विच पहले विच दो गुण ने मैं शब्द के अखरी अर्थ करन दा जतन करा रड़ाड़ा रूड़ा हर जीओ सोई राड़े अखर तो उपदेश दे रहे ने रूड़ा का अर्थ है सोना कहन लगे हे पंडित अकाल पुरख वाहगुरु तो सोना होर कोई भी नहीं है बड़ा सुंदर है तिस बिन राजा अवर ना कोई ते ओदे तो बिना होर कोई रज्या होया भी नहीं है सारे किसी ना किसी भुख तो पीड़ित ने ते भुख ही दुख है मन की हवश मन की भुख भावें किसी प्रकार की आ जिहड़ा चार दुख दसे ना एक गुरु नानक साहब जी ने चार दुखां दा नाम लिया है जिहदे विचों कहिंदे ने एक विछोड़ा एक दुख भूख एक दुख सख्त वार जमदूत इहदे विच जिहड़ा भुख शब्द है ना इस भुख दे अर्थ कल्ली शरीरक भुख नहीं इस भुख दे अर्थ ने मन की भुख क्योंकि मन दियां अपनियां भुखां ने राजा है वाहगुरु अकाल पुरख रज्या होया है ते जिहड़ा मनुख उहदे नाल जुड़िया उहदी निशानी की है उह संतुष्ट हुंदा जाएगा तृप्त हुंदा जाएगा उहदा अंदर रजदा जाएगा हर एक पक्षों रजेवा मिलेगा तिस बिन राजा अवर ना कोई ते पंडित ने पुछया ऐसे सोहणे ते राजे वाहगुरु नाल संबंध किवें जुड़े ते हजूर ने अगे बचन कीते डाड़ा गारुड तुम सुनो ध्यान देना है शब्द गारुड शब्द के अर्थ ने एक ऐसा मंत्र जिदे नाल सप की जहर नू खत्म किया जाता मनिया गया गुरु ग्रंथ साहब विच शब्द बार बार आया सतगुरु कहिंदे जे तू उस सुंदर वाहगुरु नू ते राजे नू मिलना है तेनू एक काम करना पएगा वो काम केड़ा है जिमें सप नू कीलण वास्ते जिहड़ा जहर नाल भरिया पिया है मांदरी एक मंत्र पढ़दा है जिहदा नाम है गारुड मंत्र जां एक सपेरा बीन लै के वजाउंदा है ते उस बीन दे उत्ते जहर दा भरिया होया जिहदा सिर खौलदा है वह सप भी सारी जलन छड के उत्ते टिक जांदा है। इहदा भाव है ये मन सप वर्गा है। अज दुपहरी भी इत्थे महापुरशां दी याद विच समागम सी संत बाबा अतर सिंह जी ते उत्थे विचार चली सी कि बाबा अतर सिंह जी दे दीवान जिथे सजदे सन जां जिथे उन्होंने बह के भगती कीती उत्थे सप्पां दी परमार हुंदी सी ख्याल रखना जिन्हां ने उन्हां दा इतिहास पढ़िया इत्थों तक भी एक बारी दीवान सजे दे विच सप सीधा उन्हां दी स्टेज वल आ गया सी। हुण इहदे अर्थ की अर्थ हो सकदे ने इक्को ही अर्थ जापदे ने कि सप दो चीज़ां ते आउंदा है एक ते ठंडी चीज़ दे उत्ते आउंदा है
तो एक जिथे संगीत वजदा है दो चीज़ों के उत्ते सब पावेगा क्योंकि उसका शरीर जिहड़ा जहर के नाल सड़दा है तो उस जलन नू मकाउण वास्ते तुसी आम सुनिया सप चंदन के रुख के दुआले बुलेटे पा के बहिंदा है उस अंदर के साड़े तो जलन तो बचण वास्ते। जे उन्होंने कोल सप आया है क्योंकि जिथे भी बैठे रहे ने जिथे बहिंदे ने तकरीबन बहुते थावां ते उन्हां दीआं साखियां विच पढ़िया गया सप उन्हां दा पिछा करदे। कारण की है? कारण है कि उस गुरमुख दे अंदर उस गुरु दे प्यारे दे अंदर ठंड इन्नी सी उहदे कोलों केवल बंदिआं नूं ठंड नहीं सी मिलदी उहदे कोलों पंछियां ते पशुआं नूं भी ठंड मिलदी सी। जिथे बहिंदे सन सप परिक्रमा करदे सन। दूसरी गल सप जिहड़ा उह संगीत ते आउंदा है ते जिथे पूर्ण वसे हुए नाम जिहदे मन दे विच वस गया। मैं कल भी शायद बेनती कीती सी रसना ते चंगी गल है पर वसना बड़ा कठिन है। अंदर टिक जाना वसण दा मतलब हुंदा आपां कहिंदे आ फलाना बंदा इस घर विच वसदा पिया। वसण दा की मतलब है? लगातार रहिंदा है। एक हुंदा है दो मिनट आया चार मिनट आया ते चला गया आया ते गया। एक हुंदा है बंदा डेरा पा के बह जांदा है। वस्यां वाले बड़े घट ने आउंदा ते साडे विच भी नाम है कदी 15 मिनटां वास्ते आ जांदा है ते कदी घंटे वास्ते आ जांदा बाकी दे 23 घंटे आपां की करने आ ध्यान देना। चंगी गल उह घंटा सफल होया मैं तर्क नहीं कर रहा। उह घंटा उह दो घंटे तीन किन्ने भी आपां लाउने आ उह सफल हो गए ने क्योंकि रसना ने जपिया है। पर सवाल इत्थे खड़ा भी बाकी दे 20 घंटे किवें लंघे गल इहदे उत्ते खड़ी है उहदे विच आपां की कीता है। क्योंकि जिथे गुरमंत्र शब्द आएगा उत्थे ध्यान देना गुरमंत्र दे गुरबाणी दे विच दो प्रकार दे अर्थ आए ने। एक ते गुरमंत्र उह है जिहड़ा शब्द पूरे गुरु ने आप कमाया आप जपिया ते उहने तत् कढ़िया उह गुरु दा सुभाअ है बीज मंत्र। जिवें सानू पंज प्यारे गुरु ग्रंथ साहिब जी दी हजूरी विच इक शब्द दिंदे ने आपां नूं गुरमंत्र कहने आ ते नाल कहा जांदा वी सिखा इहनूं तूं जपणा अपनी रसना दे नाल। पर इत्थे ख्याल रखना गुरु ग्रंथ साहिब विच जिथे गुरमंत्र दे शब्द जपणा आए ने उत्थे गुरु ग्रंथ साहिब दे अंतर मंत्र दे अर्थ सलाह भी आए ने। तुसीं बाणी पढ़ के वेखो बाणी दे विच बहुत सारे थावां ते दुष्ट सभा मिल मंत्र पकाया करसै औध कनेरी। जिस वेले भगत प्रहलाद नू मारन की सलाह की गई तो हरनाक्ष ने अपने नाल दे बंदियां दे नाल मिल के मंत्र पकाया मंत्र दे अर्थ ने सलाह की। हुण गुरमंत्र दे दो अर्थ ने ध्यान देना है। गुरमंत्र दा 50% हिस्सा है गुरमंत्र नू जपना। गुरमंत्र दा दूसरा खंभ है एक खंभ है जपना ते मंत्र दा दूसरा अर्थ है गुरु ग्रंथ साहिब जी की सलाह लैनी जिउणा किवें है आपां। ये दो खंभ ने याद रखिए एक खंभ नाल सफर नहीं होवेगा कदे नहीं होवेगा। साडे विच नुक्स की आया असीं अद्धे कहिंदे आ गुरु ग्रंथ साहिब जी की सलाह लवो ज्ञान लवो जपण की लोड़ नहीं एक खंभ है। अद्धे कहिंदे आ जपी चलो सलाह की परवाह ही ना करो गुरु ग्रंथ साहिब की कहिंदे ने सानू कोई लोड़ नहीं मन्नण दी। सुभा उत्थे दा उत्थे ही रखना है उहदी जरूरत ही नहीं क्योंकि आपां जप लिया हजूर कहिंदे नहीं। सतगुरु ने कहा दो खंभ मंत्र नूं जप ते गुरु की सलाह नूं जीवन दे विच सुण ते ध्यान विच लिया मैं उस सलाह ते चलदा कि नहीं। मैं दोपहर भी बेनती की सी बाबा जी नूं किसे सज्जन ने बेनती की सी भी ये शब्द जां तू मेरे वल है तां क्या मुँह छंदा मैं पढ़ लवां। बाबा अतर सिंह जी नूं कहा उह कहिंदे भी पढ़ लै बाणी पढ़न दी माड़ी थोड़ी है। कहिंदा नहीं मैं वार वार पढ़ना चाहुंदा। कहिंदे पढ़ वार वार कोई हर्ज नहीं बाणी है असर विखाएगी। आप तो सज्जन सी पटियाले दा
उन्हें एक फिर जान लग्या पुछया भी इहदे विच लिखिया जां तू मेरे वल है तां क्या मुछंदा। कहन लगे वो मेरे वल हो जाएगा इहनू पढ़न दे नाल। ते हुण साढ़े ज्ञान ते टीकियां विच आउंदे ने उहनां दे ज्ञान अर्श विच आउंदे ने जिहड़े जुड़े हुए ने उहनां दे अर्थ बड़े वक्खरे ने। जदों उहने पुछया ना भी जे मैं पढ़िया जां तू मेरे वल है रब मेरे वल हो जाएगा ते बाबा अतर सिंह कहन लगे सजना जे मन दे वल कढ देंगा ते वल हो जाएगा नहीं ते पढ़ी चल जे वल कोई नहीं कढ़ने वल कोई नहीं होना। उसने हुण उन्होंने वल दे अर्थ वल कर दिते। वल दा अर्थ हुंदा डिंग टेढ़। मन दे विच द्वैत दा होना मन दे विच दुविधा दा होना जिन्ना चिर अंदरों मनुख द्वैत दा भाव दुविधा डबल माइंड सिस्टम द्वैत पहले दिन नहीं छुटती पर सतगुरु ने कहा द्वैत छड़न की नीयत ते धारण करना घट्टो घट मैं कहना नहीं छुटती सच्चाई है छोटा जा कार्ज नहीं। द्वैत मनुख का बहुत लंबा समा पिछा करती है पर जे अंदर नीयत ही नहीं छड़न दी ते छुटेगी कदों उन्हूं त्यागन लई मनुख तैयार ही नहीं है। इस करके सतगुरु कहिंदे ने गुरु का शब्द गारुड़ मंत्र है ते तेरा मन है सप। गुरु के शब्द नूं उचार गुरु के शब्द नूं पढ़ ते गुरु की सलाह भी लै नाल जिंदगी विच ए गुरु के मंत्र नूं जीवन विच धारण कर लै। ए मंत्र ऐसा है जिवें मन नूं सप नूं जिवें सर्प नूं कीलण वास्ते एक मंत्र की लोड़ पैंदी है इस तरह मन रूपी सप नूं कीलण वास्ते मस्त करन वास्ते एक सप उस मंत्र गुरु के मंत्र की लोड़ पैंदी है। इस करके कह रहे ने अड़ाड़ै गारुड़ तुम सुनो हर वसै मन माहे। गुरु के शब्द रूपी मंत्र गुरबाणी नूं सुन ते गुरु के हुक्म नूं बुझ लै। गुरु ग्रंथ साहिब तैनूं की कहना चाहुंदे फिर कहिंदे गुर प्रसादी हर पाई है मत को भरम कुलाहे। पर ये सारा कार्य गुरु तो बिना संभव नहीं एवें भरम विच नहीं पैना चाहिए। सो शाहो साचा जिस हर तन रास जेड़ा गुरमुख ये सारियां चीज़ां नूं कमा लैंदा है गुरु के शब्द की कमाई करके उहदे कोल इक सच्चे नाम की रास पूंजी इकट्ठी हो जाती। गुरमुख पूरा ते शाबाश ऐसे गुरमुख नूं शाबाश है जिन्हें अपने जीवन विच संपूर्णता हासिल कर ली। रूड़ी बाणी हर पाया रूड़ी बाणी रूड़ी दा अर्थ है सुंदर। गुरु की सोहनी बाणी गुर शब्दी विचार गुरु शब्दी विचारियां ने जिन्हां ने गुरु के शब्द की विचार की उन्होंने बड़ी सोहनी बाणी की विचार द्वारा वाहगुरु दे नाल सांझ प्राप्त कर ली। आप गया दुख कटिया हर वर पाया नार। इस तरह गुरु के शब्द की कमाई करद्या करद्या गुरु के हुक्म के विच विचरद्या विचरद्या उन्हों का अपना आपा जिहड़ा अशुद्ध सी वह गवाच गया। दो चीज़ां ने शुद्ध आपा ते अशुद्ध आपा। सारी गुरबाणी का मूल सिद्धांत इहदे ते खड़ा है कि साढ़े आपे दो ने साढ़े अपना आप दो तरह का है। एक ओ जेड़ा वाहगुरु ने बना के घल्या एक ओ आपा जेड़ा असी आप बनाया है। ते सिक्खी की साधना की है अपने बनाए हुए आपे नूं गवा देना उन्हूं कढ़ देना और गुरु साहिब दा इहदे उत्ते सारा उपदेश है और इहदे उत्ते आपां विचार इहदे ते आपां जोर देना है। आओ पढ़िए गुरु के चरणों में समाप्ति करिए। आप गवाइए तां सो पाइए आप गवाइए तां सो पाइए आप गवाइए आप गवाइए तां सो पाइए आप गवाइए तां सो पाइए
अबर कैसी चतुराई, अबर कैसी चतुराई, अबर कैसी चतुराई, आप गवाइए ता सो पाइए, आप गवाइए ता सो पाइए, हो मैं बूझै ता दर सूझै, 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 हो मैं बूझै ए होमै बुझ जाए, दर उहदे अगले पासे है। जिद्दन होमै बुझी दर सुझ जाएगा, उस तो बिना कोई भी रस्ता नहीं। सो सतगुरु पातशाह गुरु नानक पातशाह ने बख्शिश कीती इन्ने दिन, क्योंकि ये बाणी लंबी है। दक्षिणी ओंकार 5-7 श्लोक बचे ने, वह फिर सतगुरु कृपा करनगे उत्थे इंडिया विच पूरा करके, क्योंकि इहदा इक्को ही लाभ हुंदा है। कई बारी गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ की इत्थे कथा चलती, कई बारी कई गुरमुखां नूं इह भुलेखा पै जांदा भी शायद इह उह कथा नहीं करनी चाहुंदे, पर इह संगतां वल्लों हुक्म है कि जिन्नियां बाणियां ने गुरु ग्रंथ साहिब विच, हुण जिवें गुरु के सिंघां ने हुक्म कीता भाई गुरदास जी दीआं वारां दी व्याख्या करके सानूं सीडी बना के दिओ, फिर ये बड़ी लंबी मेहनत होंदी है। और हुण तक आप गुरु साहब की बख्शिश और आप संगत की कृपा द्वारा तकरीबन 5-550 घंटे की कथा रिकॉर्डिंग विच आ चुकी महंगीयां बाणियां दी। उहदा एक ही लाभ हुंदा है कि बाद विच उहनूं गुरु के सिंह आपो अपने कारोबारां विच गड्डियां विच ट्रकां विच सुन के लाभ प्राप्त कर लैंदे। सो ये बाणी के कुछ श्लोक बचे ने, ये जाके उत्थे इंडिया विच इहनू संपूर्ण करके इस तरह ये जिन्ना भी समा गुरु साहब ने करवाया ये सेवा चलती रहेगी। आप जी ने असीस बख्शिश करनी और इन्ना समा आप जी की सेवा कर दें, क्योंकि साडा काम घंटिया बद्धी बोलना है और ये बोलदियां फिर कुछ ना कुछ इस तरह का भी विच विच आउंदा है, जिहड़ा कई बारी मना नूं चोट भी लाउंदा है, पर वो गुरु का हुक्म हुंदा है। असी उस चीज़ नाल समझौता नहीं कर सकते, भावें वह किन्ना भी कौड़ा हो, कहना ही हुंदा जो गुरु ग्रंथ साहिब जी कहना चाहते हैं। सो फिर भी आप संगतां दे चरणों में बेनती आप जी ने खिमा करना, सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज बख्शिश करन, इस तरह एक कार्य जिहड़े ने गुरु की सेवा चलती रहे।